शिवपुरी में पुलिस ने निकाली हेलमेट बाइक रैली, एसपी ने की यातायात नियमों के पालन की अपील। केंद्रीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में आज शिवपुरी पुलिस द्वारा यातायात नियमों को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में जागरूकता रथ के साथ एक सैकड़ा से अधिक बाइक सवार पुलिस कर्मियों ने हेलमेट पहनकर रैली में हिस्सा लिया। इस रैली को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद ये रैली कोर्ट रोड, माधव चौक, ग्वालियर बाईपास, पोरी चौराहा होते हुए वापस एसपी ऑफिस पहुंची, जहां हेलमेट जागरूकता रैली का समापन हुआ। मौके पर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने कहा कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। ये सड़क दुर्घटना है नियमों की अवहेलना करने के कारण होती है। लोग अक्सर बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाते हैं, साथ ही कार सवार भी सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में न रखकर लोग लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। यातायात के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है। इसी कड़ी में आज केंद्र के निर्देशन में शिवपुरी में भी जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है। आज हेलमेट जागरूकता रैली शहर में निकाली गई है, जिससे लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग कर यातायात के नियमों का पालन करें, इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने ऐसे पालकों से भी अनुरोध किया है जिनके नाबालिग बच्चे सड़कों पर बाइकों को दौड़ाते हैं। एसपी ने उन सभी पालकों से अपने बच्चों को वाहन सुपुर्द न करने की भी अपील की है। सभी जानते हैं कि दुर्घटनाएं काफी हो रही और सबसे बड़ा कारण जो होता है हम सावधानियां नहीं रखते, उसमें सबसे पहली बात कि हमें जो मोटरसाइकिल बाइक चलाते हैं स्कूटर चलाते हैं वो हेलमेट नहीं लगाते, जो जो कि सबसे बेसिक चीज़ें हैं कि हमको जब भी बाइक चलाना है हेलमेट लगाना चाहिए और उनके रक्षा के लिए ये चीज़ें कही जाती हैं बार बार, जो है पत्र पत्रिका पत्रिकाओं मीडिया के माध्यम से भी और नियम के माध्यम से भी चलान करके भी एक संदेश दिया जाता है कि अब सभी जो है हेलमेट का यूज करें। उसी तरह जब कार चलाते हैं सीट बेल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि सीट बेल्ट प्रयोग करने से भी कहीं ब्रेक लगती है, इमरजेंसी ब्रेक लगती है, आप के उस सर में चोट आने की संभावना कम है। सर ऐसे में नाबालिग बच्चे जो बाइक चला रहे हैं, कई कई जगह देखा भी गया है शहर में कई सारे नाबालिग बच्चे और ऐसे में चोटिल भी होते हैं, तो उन लोगों पर ऐसे पेरेंट्सों पर क्या कार्रवाई फर्क जाएगी जो नाबालिग बच्चे? ये पेरेंट्स की जो है प्राथमिक जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को तभी गाड़ी दे जब वो अच्छी तरह से उसको लर्न करें, ड्राइविंग उसको आए, बिना ड्राइविंग आए वो आप रोड पे भी गाड़ी लेके छोड़ दें तो एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए पेरेंट्स को और पेरेंट्स हम लोग लगातार प्रशिक्षण भी देते हैं, जागरूक भी करते हैं, जागरूकता अभियान ऐसे भी हम लोग करते रहते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, एक मैसेज देने के लिए ही हम कार्रवाई करते हैं, संदेश देने के लिए कि दंडात्मक प्रावधान इसलिए रखे जाते हैं जी, एक मैसेज देने और ट्रैफिक रूल्स जो है उनकी रक्षा के लिए बनाए गए, जनता के रक्षा के लिए बनाई गई है, जिससे कि वो यदि उसमें अलर्ट रहेंगे रूल्स को फॉलो करेंगे तो कम से कम मिनिमम एक्सीडेंट किया जा सकता है। थैंक यू।